नमस्कार, खबर एक्सप्रेस न्यूज बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कल्पना। पेश करते हैं रात 11 बजे तक की बड़ी खबरें, लेकिन सबसे पहले रुक करते हैं महानगर की खबरों की ओर। मुंबई पहुंची मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, मिली आदित्य से, कल पवार से करेंगे मुलाकात। वहीं सिद्धि विनायक में पहुंच उन्होंने की पूजा अर्चना, 26/11 के जवानों को भी दी श्रद्धांजलि। अच्छी बेटी बहू बनकर दिखाया है, अब जनप्रतिनिधि बनकर दिखाऊंगी, कहा वार्ड 73 से तृणमूल उम्मीदवार काजरी बैनर्जी ने। उनसे खास बातचीत की हमारी वरिष्ठ संवाददाता सोनू ओझा ने। कोलकाता नगर निगम का वार्ड नंबर 73 कई मायनों में VIP वार्ड माना जाता है, क्योंकि यहां पे राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी खुद रहती हैं। इस बार कोलकाता नगर निगम का चुनाव हो रहा है और वार्ड नंबर 73 पर सभी की नजर बनी हुई है, क्योंकि यहाँ उम्मीदवार कोई और नहीं बल्कि खुद ममता बनर्जी की अपनी भाभी काजरी बनर्जी है। नमस्कार काजोरी जी, आपका स्वागत है सन्मार्ग में। आप इसी वार्ड की बहू रह चुकी हैं, बेटी रह चुकी हैं, लेकिन अभी आप एक प्रार्थी के तौर पर, वो भी तृणमूल की प्रार्थी के तौर पर जनता के बीच जा रही हैं, तो ये बदलाव कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। घर घर का जो आदमी लोग है सब हमारा जान पहचान वाला है, जाता है सबको आशीर्वाद देने के लिए। वो लोग बहुत खुश है, बोल रहा है मेरा घर का ही बेटी है, इसलिए सब बहुत खुश है, आशीर्वाद कर रहा है, दुआ दे रहा है। यहाँ के लिए आप एक अच्छी बेटी बन चुकी हैं, एक अच्छी बहू भी साबित हो चुकी है, लेकिन एक नेता के रूप में आपकी छवि बिल्कुल नहीं है, तो ये जिम्मेदारी कैसे निभा रही हैं? बाद में भी नेता नहीं, बाद में भी घर का आदमी ऐसा ही रहना चाहिए। रह चुकी हूँ, बाद में ही रहेंगे इसी तरह। किन मुद्दों को लेकर जनता के बीच आप जा रही हैं? हर रोज उसके साथ रहना, उसका हर सुख दुख में रहना है। भाजपा का तंज, सोनिया गांधी का समय पूरा, अब ममता बनर्जी चाहती हैं विपक्ष का नेतृत्व करना। भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और बंगाल के नेता दिलीप घोष ने यह भी कहा कि विपक्ष का ये नाटक काफी पुराना है, विपक्ष की हर पार्टी चाहती है कि वह नेतृत्व करे। ममता बनर्जी भी विपक्ष की नेता बनना चाहती है। इंडियन म्यूजियम में 110 करोड़ के घोटाले का पर्दाफाश, कलकत्ता हाईकोर्ट ने दिए CBI जाँच के संकेत। बंगाल विधानसभा चुनाव के बाद राष्ट्रीय विस्तार में जुटी तृणमूल कांग्रेस, बदलेगी पार्टी का नाम और संविधान, ममता बनर्जी लेंगी फैसला। जिलों से जुड़ी खबरों पर एक नजर। सिलीगुड़ी नगर निगम के अंदर जाने से भाजपा नेता और समर्थकों को पुलिस की परमिशन होने के बावजूद बार बार रोका गया, जिससे नाराज होकर शंकर घोष गांधी मूर्ति के सामने धरने पर बैठ गए। মানুষের কথা বলতে এসে বার বার করে হয়রানি হতে হচ্ছে, ভ্যাকসিন কেন্দ্রে তালিবানি কায়দায় দখল করতে গিয়েছে, বাধা দিয়েছি, লাথি মেরেছে স্কুটারে, আজ পর্যন্ত তার কোনো বিচার বিভাগে তার কোনো তদন্ত হয়নি। मालबाजार में जंगली हाथी ने व्यक्ति को कुचला, मौके पर ही मौत, इलाके में तनाव, गुस्साए लोगों ने वनकर्मियों को घेरा। होमकांड, हावड़ा की पूर्व डिप्टी मेयर का बेटा गिरफ्तार। अब रुक करते हैं देश विदेश की खबरों की ओर। एक्सपर्ट्स का दावा, ओमिक्रॉन पर कोरोना की मौजूदा वैक्सीन कारगर नहीं, फिलहाल सावधानी अकेला रास्ता। MSP पर नरम पड़ी सरकार, चर्चा के लिए संयुक्त किसान मोर्चा से मांगे 5 नाम। अंकिता लोखंडे अपने मंगेतर विकी जैन के साथ कमल जैन के जुहू ऑफिस के पास हुई स्पॉट। कल का मौसम। महानगर का अधिकतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस व न्यूनतम तापमान 18 डिग्री सेल्सियस रहेगी, खिली धूप रहेगी। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही, बने रहे खबर एक्सप्रेस के साथ। नमस्कार।